जी काफ़ी ख़ास पार्टी है आज। मैं इस पार्टी से पहले जो पार्टियां नहीं हुई उनके बारे में बताना चाहूँगा। जब हमारे शो लॉन्च हुआ तब तो खैर होती है पार्टी, जब 100 एपिसोड हो गए कोई पार्टी नहीं हुई, 1 साल हो गया कोई पार्टी नहीं हुई, 2 साल हो गए कोई पार्टी नहीं हुई, तो मैं सोचता था यार कैसा है, बड़े कंजूस लोग हैं, कुछ पार्टी वार्टी नहीं हो रही। फिर मुझे आज समझ में आया कि ये इनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि 1000 एपिसोड तो पूरे होंगे ही होंगे, सीधे पार्टी हम तब करेंगे। तो ये 1000 एपिसोड की पार्टी है सर, और बहुत खुश हूँ, पूरी टीम की मेहनत सफल हुई और अच्छा लग रहा है। 1000 एपिसोड बहुत फ़र्क है। पहले दिन बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ था, और एज सुशांत सिंह मैं कभी कैमरे पे नहीं आया हूँ, हमेशा एक कैरेक्टर के तौर पर आता हूँ, लेकिन अब सुशांत सिंह के तौर पर कैसे बात करनी है लोगों से, खड़ा कैसे हूँ, हाथ कहाँ रखूँ और कितना हाथ उठाऊँ कितना ना उठाऊँ, तो बड़ा स्टिफ भी था। और हद ये हो गई कि एक टाइम पर आकर के एक जो क्रिएटिव हैं उन्होंने ये कहा कि सुशांत जी सब कुछ बहुत अच्छा है और कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बोलते भी अच्छे हैं, लेकिन सर शो का नाम सावधान इंडिया है लेकिन आप सावधान मत रहिए। तो मैं इतना सावधान रहता था, फिर धीरे 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 सीखा डायरेक्टर्स की मदद से, टीम की मदद से, और अब तो खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले एपिसोड से 1000वें एपिसोड में अब मैं कैमरा मुझे बीच में नज़र नहीं आता, अब लोग जो हैं कैमरे के उधर बैठे हुए देख रहे हैं घरों में वो नज़र आते हैं, तो मैं उनसे बात कर पाता हूँ। हाँ धाराएं याद हो गई भाई काफ़ी सारी, और कई बार थोड़ा असमंजस भी हो जाता है क्योंकि हम केसेस दिखाते हैं जो केस सुलझ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कई लोग मदद के लिए पुकार लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें। तो चैनल के लेवल पर हमारी प्लानिंग चल रही है, कुछ NGOs के साथ टाई अप करें ताकि लोगों को सही मदद का की दिशा दिखा सकें। मदद मुहैया कराना सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन एक दिशा दिखा सकें ऐसा प्रयास है। जी 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 मैं बेहद चौकन्ना रहता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं मालूम थी कि किडनैपिंग और अबडक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम हिंदी में एक अपहरण कह देते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में किडनैपिंग है और अबडक्शन है, और ये दो अलग चीज़ें हैं। किसी को बहला फुसला करके ले जाना वो अबडक्शन है, ज़बरदस्ती उठा के ले जाना किडनैपिंग है, और दोनों के लिए अलग अलग धाराएँ हैं। किडनैपिंग पैसे के लिए की गई है उसके लिए धारा अलग है, किडनैपिंग दुश्मनी की वजह से की गई है उसकी धारा अलग है, तो बड़ी जटिल है ये कानून जो है। लेकिन मैं बड़ा चौकन्ना रहता हूँ, और स्मार्टफोन्स की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत सेट पर रिसर्च जारी रहती है कि ये जो जुर्म हुआ था इसमें क्या धाराएँ लगनी चाहिए थी, कहीं धारा कम तो नहीं है, तो क्योंकि लोग विश्वास करते हैं आप पर, प्रोग्राम देखते हैं विश्वास के साथ देखते हैं, तो मैं अगर गलत जानकारी मेरे मुंह से निकले तो वो उनका विश्वास तोड़ना होगा, इसलिए हमारी तरफ से फिर भी कहीं कोई त्रुटि कभी रह जाए तो आपको पूरी छूट है, हमें खत लिखें ईमेल करें बताएं हमसे कहाँ गलती हुई, अगली बार सुधार लेंगे। क्राइटेरिया कुछ नहीं है, सावधानियाँ एक ये है कि खुद को थोड़ा, हाँ खुद को विक्टिम के साथ जोड़कर देखना पड़ता है जिसके साथ ये कुछ हुआ है, क्योंकि शो का मुद्दा ये नहीं है कि क्राइम दिखा करके डराना है लोगों को या TRP बटोरनी है, खून खराबा दिखाना है, वो मुद्दा ही नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि ये XYZ के साथ घटना हुई थी, अगर ये सावधानियाँ रखी होती इस घटना से बच सकते थे, अगर आप इन हालात में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो सावधानियाँ हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि एपिसोड के ज़रिए हम क्या अवेयरनेस ला सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने आसपास के माहौल को। सर एक आखिरी सवाल, जी कोई ऐसा वाक्य है जो आपको काफ़ी दर्शकों से शेयर करने वाला है, क्राइम की स्टोरीज रहती हैं कि आप भी जान के कुछ ऐसा? क्राइम की स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, और मैं नहीं, हमला हमला कुछ नहीं हुआ जी, किसी अब तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ बड़े कुछ मजाकिया किस्से भी हुए हैं, एक साहब का मुझे मेरे पेज पर फेसबुक पेज पर मैसेज आया, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमको लेकिन आपकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैंने पूछा अभी क्या हुआ, बोले सर हमारा रिश्ता हुआ था, लड़की को जब पता चला कि मध्य प्रदेश से हो, बोली नहीं 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 सावधान इंडिया में मध्य प्रदेश की बड़ी कहानियां दिखाते हैं, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। चार आपके पास, 8 रोलिंग रोलिंग जी लुक सेंटर रहेगा सर।
सेंटर ये ओके सर अगर बात करें आज पार्टी है का क्या कहना चाहेंगे जी मैं यही कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना अभी तो शुरुआत है ये तो 1000 एपिसोड हुए हैं उसकी पार्टी आप देख रहे हैं आप उसकी पार्टी में आए हैं हम इंजॉय कर रहे हैं अब ये 1000 के आगे 0000 लगते ही जाएंगे क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा सब्जेक्ट है क्या लोगों को भी पसंद है और एक्चुअली लोगों को हम सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं क्या होता है कि आप इसमें एक तरह से जब आप एंकर करते हो तो एक तरह से आप लोगों को पूरी स्टोरी में लेके जाते हो और दूसरा स्टोरी में लेके जाने के बाद में आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते आप उन्हें झूठ नहीं बोल सकते अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो वहीं का वहीं ख़राब हो जाएगा और दूसरा बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धाराएं पता हैं आज के ज़माने में पुलिस के बारे में भी बताते हैं धाराएं भी बताते हैं तो वो गलत नहीं हो सकते वो हमें एकदम टू द पॉइंट बतानी है इसीलिए रिसर्च टीम यहाँ पे जो काम कर रही है उनका काम डबल है और उनका काम 100% पक्का होना चाहिए वो जो धाराएं हमें बताते हैं वो क्रॉस चेक की जाती हैं और उसके बाद में वही हम बोल सकते हैं और हम गलत बोल नहीं सकते तो ये बहुत बहुत मुश्किल है कि आप क्या होता है कि जब हम दूसरे शोज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम नकली सिचुएशन भी बना लेते हैं तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो सकता है ना हुआ लेकिन हम ये जो शो में बताते हैं हम ये एक्चुअली क्राइम बताते हैं और ऐसा लोगों के साथ होता है तो उससे जुड़ी धाराएं भी एकदम सही होनी चाहिए अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो सब गलत हो जाएगा नहीं मतलब ऐसे कोई मेजर इशू नहीं बट हाँ मतलब थोड़ा सा इधर उधर या थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ और मुझे ही समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मेरे सुनने वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझना तो मेरा ख्याल है उसको लैंग्वेज को थोड़ा और ईजी कर देते हैं क्योंकि इसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे शुद्ध हिंदी वर्ड्स होते हैं जो आज कल के ज़माने में या आज कल के दौर में हम यूज़ ही नहीं करते बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं तो ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम वैसे वर्ड्स को कोशिश करते हैं कि हम सिंपल कर दें बट अदरवाइज़ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता जिनका कोई दूसरा वर्ड नहीं होता हमें वही वर्ड बोलना पड़ता है मुझे नहीं पर देखिए क्या होता है ना कि हम जब आते हैं शूट पे तभी हमें पता चलता है कि ये स्टोरी है और ऐसा है तो हमें एक्चुअली अगर ऐसा लगता है तो हमें यस हम चैनल की टीम को फ़ोन करते हैं चैनल की टीम बाकी सब क्रॉस चेक करके हमें बताती है बोलती है अच्छा ये ऐसा है तो आप ये मत बोलिए आप रुक जाइए ये वाला छोड़ के आप दूसरा वाला बोलिए हम इसके बारे में रिसर्च टीम को फिर से बोलते हैं सब करवाते हैं और उसके बाद कन्फर्म करके फिर आपको बोलेंगे सारे टाइप्स की जितने भी क्राइम्स होते हैं आजकल के ज़माने में और जैसे भी होते हैं बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनके एक लाइन होता है कि ऐसा ऐसा हो गया फला फला जगह पे ये मर गया फला फला जगह पे इसका खून कर दिया गया पर एक्चुअली क्या हुआ कौन था किसने खून किया और क्या वो पकड़ा गया ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है और कब कैसे पकड़ा गया और क्या पुलिस ने वाकई में कुछ काम किया पुलिस ने मदद की अक्सर कर हम देखते हैं या जो हमारी सोच है उसमें ऐसा होता है कि पुलिस काम नहीं करती पुलिस से क्या बोले जाके पर एक्चुअली पुलिस को अप्रोच करना बहुत बहुत ज़रूरी है सर साथ बहुत सीरियम की अगर बात करें इससे आप भी जुड़े हैं इसमें अगर बात करें गली कूचे नाले हर जगह जाना पड़ता है एग्जैक्टली बात करें इसका यही मजा है इसकी लाइफ से हट के एक एक्टर की ना मैं कहता हूँ एक एक्टर के लिए सारी लाइफ ज़रूरी है सिर्फ एसी की लाइफ ज़रूरी नहीं और लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ एसी में बैठते हैं तो इस शो के ज़रिए उन्हें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल लोकेशंस पे भी गए अगर नाली है तो नाली के बाजू में अगर वहाँ खून हुआ है तो हम वहाँ खड़े रह के हम बोलते हैं बताते हैं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ ऐसी जगह पे हुआ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसी में बैठते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि जिस तरह से हम बताते हैं शो में कि सावधान रहिए प्लीज़ सावधान रहिए और सतर्क रहिए और इसी तरह से ये शो देखते रहिए ताकि आपको और जानकारी मिले और आप एक्चुअली किस तरह से अप्रोच किया जाता है और कब अप्रोच किया जा सकता है पुलिस को वो जान सके थैंक यू एपिसोड मतलब इतने सारे एपिसोड्स किसी एक सीरियल के होना आजकल बहुत दुर्लभ है लेकिन सावधान इंडिया को पूरे इंडिया ने जिस तरह से सराहा है
अपना समझा है और बहुत कुछ सीख हासिल की है, और शायद यही वजह है कि लोग इतनी तादाद में सावधान इंडिया देखते हैं और सावधान इंडिया के इतने तादाद में एपिसोड्स हुए हैं, और इसीलिए आज का ये सेलिब्रेशन है। 1000 एपिसोड्स कुछ कम नहीं होते। हंड्रेड एंड वन परसेंट मेकर्स पे प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन मेकर्स को प्रेशर से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और वो जिम्मेदारी का एहसास ही उनसे ये सारे काम कराता है, क्योंकि प्रेशर चाहे कितना भी हो लेकिन वो जिम्मेदारियां जो पूरी कर रहे हैं अपने भारतवासियों के प्रति, जिसकी वजह से उनको ताकत बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर से ज़्यादा ताकत है, इस वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। सर, आज रवि चोपड़ा जी का ध्यान तो क्या परिवार रवि रवि चोपड़ा ये मेरे बहुत नज़दीकी परिचित, और उनकी फैमिली को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। आज उनका देहांत हुआ है, मुझे उसका बेहद अफसोस है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं, ये तो सुखद ही है सफ़र, जिसकी वजह से आज ये जश्न मनाया जा रहा है। 1000 एपिसोड्स पूरे करना किसी भी सीरियल के, मैं समझता हूँ कमेंडेबल है, और जनता का प्रतिसाद जो है वो सावधान इंडिया को इंडिया भर का बहुत रहा है, और यही वजह है कि इतने सारे एपिसोड्स सफल एपिसोड्स, जिसको हम कहें सक्सेसफुल एपिसोड्स, इन लोगों ने बनाए हैं। मैं जानता हूँ इन्हें बहुत दक्ष रहना पड़ता है, प्रेशर भी बहुत होता है इन पे, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, बट उसके साथ साथ प्रेशर से कहीं ज़्यादा ये लोग अपने आप को ज़िम्मेदार महसूस करते हैं, और उस ज़िम्मेदारी को इस तरह बखूबी निभाते हैं जिसकी वजह से लोगों की तरफ से उन्हें जो ताकत मिलती है वो उस प्रेशर से कहीं ज़्यादा है, और यही वजह है कि वो इतनी दूर तक और इतने लंबे सफ़र पे पार कर चुके हैं, और ये मैं समझता हूँ एक पड़ाव है। 1000 एपिसोड पूरे हो गए मतलब सावधान इंडिया बंद नहीं हुआ, ये एक पड़ाव है। अब इस पड़ाव के बाद सावधान इंडिया और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, इंडिया को और ज़्यादा सावधान बनाएगा। सावधान बने तो अगर आज के समय में कोई आपको ऐसा मुद्दा लगता है जिससे देश को सावधान होना, किस चीज़ के लिए सावधान इंडिया? मैं समझता हूँ शादी करते वक्त भी इंसान को सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र में जो मराठी शादी होती है तो कहते हैं शुभ मंगल सावधान, तो सावधानी बरतना जो है वो हर जगह पे ज़रूरी है, और अगर शादी में ज़रूरी है तो फिर तो हर जगह पे ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो एक आध एपिसोड इन्होंने शादी के ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभ मंगल सावधान होता है। सर, सावधान क्या करते हैं आप? इसमें धाराएं होती हैं, अगर छोटी सी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। सिर्फ इसी सीरियल में क्यों, मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बनती हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो धारावाहिक हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो एक रेडियो अनाउंसमेंट हो, वो अगर सच्ची घटना पे, सत्य घटना पे आधारित हो तो उसको बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, और जिसमें कि कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, उसका भी ध्यान रखा जाता है, और इन्होंने रखा है, और यही तो वजह है कि 1000 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, वरना दो सौ में ही या 100 में ही ख़त्म हो जाता। नहीं, इससे पहले भी मैं होस्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं एंकर मैं करता था रेडियो पे, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से कुछ 15-1 साल का था, अमीन जी के साथ, अमीन सैनी साहब के साथ मैं रेडियो पे एंकरिंग करता था। उसके बाद मैंने टेलीविज़न पे स्टार प्लस पे चलती का नाम अंताक्षरी 104 एपिसोड मैंने एंकर किए हैं। तो एंकर करने में एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ऑडियंस के साथ में कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, एक रिश्ता, और जो वो रिश्ता ऑडियंस के साथ मेरा मेरे बचपन से रहा है, इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई।
लोगों तक पहुंचने के लिए या लोगों को अपने तक लाने के लिए। सावधान इंडिया के आपने हजार एपिसोड्स पूरे आपकी वजह से हुए क्योंकि आप दर्शक हैं, इसलिए मैं सावधान इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रमंद हूँ और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आगे भी आप सावधान इंडिया इसी तरह देखें ताकि 2000 एपिसोड जब पूरे हो जाएं तो ऐसा ही या इससे बड़ा जश्न हो उसमें हमारी मुलाकात दोबारा हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रही, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग एक बहुत अच्छी जर्नी रही क्योंकि नई चीज़ में ये मैंने कुछ नया किया था, आज तक एक किरदार निभाती आई थी। उसके बाद एंकरिंग किया, एंकरिंग एक्टिंग से थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ वेरी डिफरेंट, जो आप एक्टिंग करते हो आपको एक किरदार दिया जाता है, ये एंकरिंग बहुत ही अलग चीज़ है। सो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा एंड बहुत ही अच्छा यू नो एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ शो लाइक दिस। जी यस, वो बात तो है या ये स्क्रिप्टिंग की और जो तैयारियां हैं जो उसकी उसकी सारी उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जो बिहाइंड द कैमरा टीम है उन्हें दूंगी। जो जो मेन रिसर्च जो करते हैं वो वही करते हैं, जो केस स्टडी होता है वो करते हैं, जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं वो उनकी कहानियाँ जो ऑडियंस तक लाते हैं, जिन्हें हम डिलीवर करते हैं, जिन्हें हम एंकर करते हैं, वो जो बिहाइंड द कैमरा टीम है जो दिखते नहीं हैं वो असली मेहनत उनकी है। तो आई थिंक सारा क्रेडिट इसका रिसर्च का मैं उन्हें दूँगी। सॉरी, बहुत 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 इन्जॉय किया क्योंकि एक नया कुछ नया करते हो जब आप तो वो एक बहुत ही डिफरेंट होता है एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू यू नो डू थिंग्स लाइक दिस मोर ऑफन। सावधान इंडिया का मेन मोटिव या जो हमारा यू नो मोटिव ही हमारा ये है कि लोगों को हम सचेत करें, लोगों को हम सावधान करें, सतर्क रहे लोग, जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, बहुत सारे क्राइम, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत कुछ ऐसा हुआ होता है लोगों के साथ जो शायद अखबारों में नहीं आता, न्यूज़ चैनल्स पर नहीं आता, मैगज़ीन्स में आप नहीं पढ़ते, रेडियो पे नहीं सुनते। वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि कैसे अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है उन्होंने कैसे अपनी असली लाइफ में जुर्म पर जीत हासिल की है और कैसे फ़ाइट बैक किया, तो वो हमारा मेन मोटिव है। आजा जल्दी आ। ये इतना पिक्चर में बाहर लेंगे भाई, बाहर लेंगे या नहीं?
नहीं मैं म्यूजिक बंद कर रहा जब करेंगे जब करेंगे जब इस सीरियल में आता है उत्तरण में ला ला आजा मेरा लेना है पार्टी के बारे में इतना नहीं कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा सावधान इंडिया की शुरुआत की थी मैंने सुशांत के साथ वो पहले 3-4 महीने होस्ट किया था इस शो को तो आज 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं तो ऐसे लग रहा है मैंने पूरे किए हैं कुछ अपने अपना फीलिंग है हालांकि कुछ अरसे के बाद मैं नहीं कर रहा था बट किसी किसी शो के साथ आपका कनेक्शन होता है नहीं एक्चुअली यू नो ये वैसा शो है जहाँ एक एंकर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप थोड़े मन से लोगों को बताना चाह रहे हो कि ऐसा किसी के साथ हो गया और हमें उससे एक सचेत रहने का सावधान रहने का पाठ सीखना है तो वो कहानी बताते बताते आपके आप पर थोड़ा असर हो जाता है और मेरी चैनल के साथ हमेशा से एक ही गुजारिश थी कि मैं थोड़ी अपनी राय रखना चाहता हूँ मैं सिर्फ एक बनी बनाई रोटी परोसना नहीं चाहता मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ क्योंकि ये कहना ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह रात को आप अपने घर पर ताला मारते हैं चोरों से बचने के लिए उस तरीके से अपने समाज पर भी थोड़ी नज़र रखिए थोड़ा सावधान रहिए नहीं मुश्किल होता है हम लोगों को खासकर आदत बढ़ जाती है एयर कंडीशन कमरों में रहने की और गाड़ियों में घूमने की पर साथ ही साथ यू नो मेरे जैसे एक्टर को थोड़ी आउटडोर की आदत है थोड़ा एक्शन वैक्शन मुझसे हमेशा कराया ही जाता है तो मुझे मज़ा आता है आउटडोर में और फिर आउटडोर में एक और मज़े की बात यह है कि आपको हमेशा आम लोग मिल जाते हैं और उन आम लोगों के साथ आपकी जो उस वक्त स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होती है वो हमेशा मज़ेदार है पर जाकर इंटरव्यू देते हैं तो ज्यादा मजा आता है कोई भी सीरियल अगर 1000 एपिसोड पूरा करता है सफलतापूर्वक तो उस चैनल के लिए और उस प्रोडक्शन हाउस के लिए उस शो के लिए बहुत बड़ी बात है और सावधान इंडिया 1000 एपिसोड पूरा किया मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ मैं भी कहता रहता हूँ कि अब बोलती बंद होगी अपराध की दिल्ली नहीं है किसी के बाप की तो 1000 एपिसोड कर दिया दिस इज रियली हैट्स ऑफ मैं बहुत लाइक करता हूँ और मुझे तो लगता है जितने लोग सावधान इंडिया को डायरेक्ट करते हैं ना एक्ट करते हैं उनको लेके फिल्म बननी चाहिए ऐसा मुझे लगता है अच्छी डायरेक्शन होती है अच्छी एक्टिंग होती है तो हम लोग फिल्मों के लोग हैं बट जितने कम समय में और कम संसाधन में सावधान इंडिया में जो स्टोरी दिखाई जाती है उस एक्टर्स को भी मैं बहुत सैल्यूट करता हूं और डायरेक्टर्स को भी जो काम लेते हैं उनसे सर बात करें स्वच्छ अभियान की क्या स्वच्छता अभियान जारी है आप लोगों का ज़्यादा योगदान है क्योंकि जो भी हो रहा है देश में उसको आप लोग बढ़ा रहे हैं मीडिया के लोग स्पेशली मीडिया को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि यह स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि आखिरी व्यक्ति तक जाए उसको मीडिया बहुत अच्छे से बढ़ा रही है मैं उत्तर प्रदेश के 9 लोगों में मैं भी नॉमिनेट हूँ तो मेरा काम जारी है जहाँ भी जाता हूँ पहले जितनी सफाई के प्रति जागरूक नहीं होता था अब ज़्यादा हो गया थैंक यू वेरी मच क्या सर सिर्फ